क्लासिफिकेशंस ऑफ लिक्विड्स एज कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर। यहाँ पर हम लिक्विड्स को कंडक्टर या पुअर कंडक्टर में क्लासिफाई करेंगे। एज द सॉलिड्स अलाउिंग इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम आर मेनली मेटल्स एंड अलॉयज, दे आर कॉल्ड मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। मेनली देखो, सॉलिड में जो मेटल्स या अलॉयज होते हैं, अलॉयज क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं, वो कहलाते हैं अलॉय। तो मेटल्स और एलॉयज जो हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी मेनली पास होती है सॉलिड्स में, और उनको हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। क्या बोलेंगे, मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोलते हैं। नोट दैट नो केमिकल चेंज अकर व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। जब कभी किसी भी मेटेलिक कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो उसके अंदर कोई भी केमिकल चेंज, कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। सॉलिड्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देयर आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर। ऐसे सॉलिड जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, वो कहलाते हैं नॉन कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर। इसके एग्जाम्पल है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में एक एक्सेप्शन है जो कि ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, जबकि ग्रेफाइट के अलावा बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनमें से किसी से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। एंड मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक रॉक सॉल्ट, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये और भी कई सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। वॉट हैपन इफ यू ट्राई टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड। सॉलिड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ये तो हमने देखा है। अब हम ये चीज़ देखेंगे कि अगर हम किसी लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो क्या होगा। डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट विच ऑफ द लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड विच डू नॉट। अब हम यहाँ पर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि कोई जो लिक्विड हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है या नहीं करता है। देखो, फर्स्ट एक्टिविटी जो है, इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक ड्राई सेल, कॉपर वायर चाहिए, और एक वोल्ट का बल्ब चाहिए जो कि बल्ब होल्डर में फिक्स किया हुआ हो, एक बीकर चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर चाहिए और सेलो टेप चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि ये जो कॉपर वायर है, इस कॉपर वायर के जो दो हिस्से हैं खुले हुए, जो एंड है ए एंड बी, उसको हम कनेक्ट कर देंगे, बल्ब से कनेक्ट करेंगे। एक तो देखो, ए वाला हिस्सा जो है वो हमने बल्ब से कनेक्ट कर दिया है, और बी वाला हिस्सा जो है हमने वो किससे कनेक्ट कर दिया है, बी और सी जो है वो हमने यहाँ पर, ये देखो, ये वाला हिस्सा हमने बी वाला भी बल्ब से कनेक्ट कर दिया है सेलो टेप की मदद से। अब इस बल्ब के बेयर एंड्स जो है वायर के, बी और सी, इसको हम एक दूसरे से टच करवा देंगे। हम ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, जैसे ये दो हिस्से हैं, अगर हम इसको टच करेंगे आपस में तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे जो बल्ब है वो ग्लो करता है, जलता है। इससे ही हमें ये पता चलता है कि सर्किट के जो सारे हिस्से हैं वो क्या हो गए, ये वाला जो, जैसे ये दो हिस्से, इन दोनों को जब आप आपस में कनेक्ट करोगे तो बल्ब जो है वो जलने लग जाएगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो सर्किट है वो सही तरह से बना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे ये जो दो कंडक्टिंग वायर के जो वायर्स ए बी और सी, इसको हम एक डिस्टिल्ड वाटर, ये जो बीकर है इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर भरा हुआ है, इसके अंदर डिप कर देंगे। जब हम इसके अंदर डिप करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो बल्ब है वो नहीं जलता है, और इस एक्टिविटी से ये प्रूव होता है कि डिस्टिल वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। देन नेक्स्ट हमें एक एक्टिविटी टू भी गिवन है, इसके लिए हमें क्या करना है, इस एक्टिविटी में जहाँ पर हमने डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल किया है उसकी जगह पर हमें कॉमन सॉल्ट, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ग्लास रॉड और एक ड्रॉपर लेना है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस एक्टिविटी के अंदर सॉल्ट या फिर एसिड ऑफ एल्कलीज, और इन सब से हम चेक करेंगे कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं। तो इस एक्टिविटी के अंदर हम ये चीज़ प्रूव करेंगे कि वाटर के अंदर अगर सॉल्ट, एसिड्स या एल्कलीज मतलब अगर बेसिस हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। फर्स्ट एक्टिविटी जो उसी करी थी वैसे ही हम करेंगे इसके अंदर, लेकिन हम क्या चेंज करेंगे, देखो फर्स्ट एक्टिविटी में हमें ये चीज़ पता चली थी कि डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, उस वाटर के अंदर एक चम्मच जितनी कॉमन सॉल्ट, नमक लेकर उस डिस्टिल वाटर में ऐड कर देंगे।
उस सॉल्ट को हम इसके अंदर डिसॉल्व करेंगे उसको हिलाकर ग्लास रॉड की मदद से। फिर हम जो बी और सी जो वायर है इसको हम कहाँ डाल देंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर डाल देंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर, तो जो बल्ब है वो जलने लग जाएगा। इस एक्टिविटी से ये प्रूफ होता है कि कॉमन सॉल्ट को जब हमने पानी में मिलाया तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन गया। अब हम इस कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन को फेंक देंगे और बीकर को सही से धोकर हाफ बीकर को फिल कर देंगे फिर से डिस्टिल वाटर से, और उसके अंदर 10 ड्रॉप डाल देंगे सल्फ्यूरिक एसिड की। जब हम इसके बेयर एंड्स बी और सी जो है वो सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तब भी बल्ब जल जाएगा। इससे ये प्रूव होगा कि एसिड्स भी जब डिस्टिल वाटर में हम ऐड कर देंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। सिमिलरली इस एक्टिविटी को हम रिपीट करेंगे, 10 ड्रॉप्स डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एक अल्कली है, इसको जब हम डिस्टिल वाटर में डालेंगे तब भी जो बल्ब है वो ग्लो करने लग जाएगा। तो इस एक्टिविटी से ये क्लियरली पता चलता है कि सॉल्ट, एसिड्स एंड एल्कलीज जब वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं तो वो वाटर को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 3, टू फाइंड इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग लिक्विड्स फ्रॉम इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिंग लिक्विड्स। अब हम कुछ लिक्विड्स लेंगे, कुछ तो ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो उनको फाइंड आउट करने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, जिसके लिए हमें ये जो मटेरियल्स गिवन है वो रिक्वायर्ड होंगे। एक सेल, 3 कॉपर वायर्स जिनको हम ABC नेम दे देंगे, और उनके जो एंड्स हैं वो खुले होने चाहिए। सेलो टेप चाहिए, 1 वोल्ट का बल्ब चाहिए जो बल्ब होल्डर पर फिक्स हो, 100 cc का बीकर चाहिए, 100 cc मतलब उसके अंदर इतना लिक्विड आ जाना चाहिए। नल का पानी चाहिए, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, विनेगर सॉल्यूशन, विनेगर सॉल्यूशन जो सिरका होता है, कलरलेस लिक्विड होता है जो बेसिकली चाइनीज़ फूड में अचार में डाला जाता है, लेमन जूस, एल्कोहल, पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, जैसे एक्टिविटी 14.1 और 2 में हमने जो अपेरेटस सेट किया था वैसा का वैसा अपेरेटस सेट करेंगे। उसके जो वायर्स हैं बी और सी उसको हम एक एक करके सॉल्यूशन में डालेंगे और चेक करेंगे कि बल्ब जो है वो ग्लो होता है या नहीं होता है। हम ये देखेंगे कि जो बल्ब है वो टैप वाटर, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, विनेगर सॉल्यूशन एंड लेमन जूस सॉल्यूशन और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन जो है उसके अंदर तो ग्लो करने लग जाता है, क्योंकि ये जो लिक्विड है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर, एल्कोहल, पेट्रोल, कैरोसिन और मस्टर्ड ऑयल के अंदर बल्ब ग्लो नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लिक्विड्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। जिन लिक्विड्स के अंदर बल्ब ग्लो करेगा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और जिसके अंदर नहीं करेगा उसके वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली चैप्टर का नाम भी यही है। अ लिक्विड विद कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट एंड एट द सेम टाइम अंडरगोज अ केमिकल चेंज इज ड्यू टू केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। कोई भी ऐसा लिक्विड जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर रहा है और सेम टाइम पर उसमें कुछ केमिकल चेंजेस भी हो रहे हैं जिसके कारण इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है केमिकल करंट इफेक्ट केमिकल इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट का, उसके कारण उस लिक्विड के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, तो वो कहलाता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको समझने के लिए हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। देखो, ये एक्टिविटी हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, टू शो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर। यहाँ पर हम जब कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन हमारा जो खाने वाला नमक होता है उसको अगर पानी में घोल देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, फिर उस सॉल्यूशन से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होगा। उसी को स्टडी करने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत है कप शेप्ड वोल्ट मीटर जिसकी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हो, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन डिस्टिल वाटर में बना हुआ, एक मैच बॉक्स, 6 वोल्ट की बैटरी और एक स्विच। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम वोल्ट मीटर को लेंगे जिसके अंदर एक कप शेप्ड ग्लास वेसल होगा और बॉटम में वहाँ पर 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स होगी। ये जो दिख रही है आपको ये लंबी सी, ये इलेक्ट्रोड्स हैं। ये जो इलेक्ट्रोड्स है ये ब्रास टर्मिनल से कनेक्टेड होगी जो कि वुडन बेस पर फिट है। ये वुडन बेस है, इसके ऊपर ब्रास के टर्मिनल्स हैं जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रोड्स फिक्स करी गई है।
अब हम क्या करेंगे, जो वोल्ट मीटर है उसको 3/4 वाटर तक भर, 3/4 भर लेंगे जो कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन हमने बनाया है उससे। ये जो डिजॉल्व सॉल्ट है इसके अंदर सॉल्ट होगी और जो कि वाटर को इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग बनाएगी। हमें पता है डिस्टिल वाटर तो कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन जब उसके अंदर हम सॉल्ट को डिजॉल्व कर देते हैं तो वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। फिर हम जो टेस्ट ट्यूब है वोल्ट मीटर की उसको कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन से भर देंगे और उसको इन्वर्ट कर देंगे, उल्टा कर देंगे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जैसा यहाँ पर बना हुआ है। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पानी है वो अंदर की तरफ इसके इलेक्ट्रोड के अंदर नहीं जाना चाहिए। ओके ऐसा जब हम करेंगे, ऐसा कैसे करेंगे, हम हमारा जो थंब है अंगूठा वो टेस्ट ट्यूब के मुंह पर रखेंगे और फिर उसको धीरे से अंगूठा हटाएंगे ताकि वो आराम से उसके ऊपर फिक्स हो जाए। फिर हम इसको स्विच ऑफ पोजीशन में रखेंगे और उसके बाद टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे 6 वोल्ट बैटरी से और स्विच को ऑन कर देंगे। जब हम स्विच को ऑन कर देंगे तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि छोटे छोटे बबल्स जो हैं कलरलेस गैसेस के वो उठते हैं दोनों इलेक्ट्रोड से और टेस्ट ट्यूब के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। जो गैस कलेक्ट हो रही है नेगेटिव टर्मिनल में बैटरी में वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो पॉजिटिव टर्मिनल में इकट्ठी हो रही है उससे। मतलब अगर पॉजिटिव टर्मिनल में जो इकट्ठी हो रही है उससे 2 गुना गैस नेगेटिव टर्मिनल में इकट्ठी हो रही है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नेगेटिव टर्मिनल की जो है वो 2 गुना है पॉजिटिव टर्मिनल से। जो गैस कलेक्ट हुई है नेगेटिव टर्मिनल के बैटरी पे वो है हाइड्रोजन गैस और इसको इजीली हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर हमें जलती हुई माचिस की तिल्ली इसके टेस्ट ट्यूब के पास में लाएंगे तो जो गैस है वो आग पकड़ लेगी और एकदम से लाउड साउंड बचेगा और मैचस्टिक जो है वो बुझ जाएगी। और जो पॉजिटिव टर्मिनल पे जो गैस कलेक्ट हुई है वो है ऑक्सीजन गैस। नेगेटिव टर्मिनल पे कौन सी हुई है, नेगेटिव टर्मिनल पे हुई है हाइड्रोजन गैस और पॉजिटिव पे हुई है ऑक्सीजन गैस। ये गैस को भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जब हम जलती हुई माचिस की तिल्ली इसके पास ले जाएंगे तो मैचस्टिक जो है वो, मतलब बुझी हुई माचिस की तिल्ली अगर इसके पास ले जाएंगे तो मैचस्टिक जल जाएगी। ओके देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट से क्या केमिकल चेंज हुए हैं पानी के अंदर, जो वाटर था उसका ब्रेकडाउन हो गया हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में, है ना, अलग अलग हो गई है। अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर डिकम्पोजेस ऑन इट्स ओन टू पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन्स एंड नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्सिल आयन। जब वाटर का डिकम्पोजिशन होता है तो उसके अंदर क्या बनते हैं, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन आयन बनते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं। तो हाइड्रोजन आयन को कैसे लिखते हैं, H+ लिखते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन को कैसे लिखते हैं, OH-। ये जो नंबर है वो सेम रहता है और वाटर जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। इसके कारण जब इलेक्ट्रिक करंट इससे पास किया जाता है तो हाइड्रोजन आयन जो है वो नेगेटिव चार्ज टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो इलेक्ट्रिक चार्ज ले लेते हैं न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम बनाने के लिए। न्यूट्रल क्या होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, वो कहलाता है न्यूट्रल। तो जो हाइड्रोजन एटम है वो फिर ज्वाइन हो जाता है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। जबकि जब हाइड्रोक्सिल आयन को अट्रैक्ट होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल की तरफ तो वो इलेक्ट्रिक चार्जेस को लूज करते हैं और न्यूट्रल हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं जो कि जुड़कर ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। ओके क्या बना रहे हैं, देखो वाटर का डिकम्पोजिशन हुआ तो हाइड्रोजन गैस बनी और ऑक्सीजन गैस बनी। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे जब किसी भी लिक्विड को से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है तो कैसे उसके अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं। अब हम कुछ जनरल टर्म्स जो इस सॉल्यूशन से जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है उससे कुछ जुड़ी हुई जनरल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली टर्म है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एक एक्वियस सॉल्यूशन होता है केमिकल कंपाउंड का। एक्वियस सॉल्यूशन मींस पानी के अंदर, एक्वियस मींस वाटर, वाटर के अंदर जब हम किसी केमिकल को घोल देते हैं तो वो उसका एक्वियस सॉल्यूशन कहलाता है। और एक्वियस सॉल्यूशन जो होता है किसी भी कंपाउंड का वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और साथ ही साथ उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल केमिकल चेंजेस भी होते हैं, इसीलिए वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल्स, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ऑल एसिड्स, जब एसिड्स को पानी के अंदर मिक्स कर दिया जाता है तो उसके जो एसिड्स बनते हैं HCl, HNO3, H2SO4, इनके HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 इज नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ऑल एल्कलीज, जो बेसिस है सारे जैसे NaOH, KOH, इनका जब एक्वियस सॉल्यूशन बनाया जाता है, या फिर एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट जैसे कि कॉमन सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, जिंक क्लोराइड, इन सब के जब सॉल्ट बनाए जाते हैं, उनको उन सॉल्ट को जब पानी में मिक्स कर देते हैं तो उनका एक्वियस सॉल्यूशन बन जाता है, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट।
नेक्स्ट टर्म है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अ सॉल्यूशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट एंड हैंस डज नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन किसी भी केमिकल कंपाउंड का जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करता है और उसके अंदर खुद में कोई केमिकल चेंज नहीं होता है तो वो कहलाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल, पेट्रोल, कैरोसिन, ऑयल, डीजल, वेजिटेबल ऑयल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एल्कोहल, ईथर, बेंजीन, डिस्टिल वाटर, ये सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रोलाइसिस, द प्रोसेस ड्यू टू विच अ सॉल्यूशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट एंड एट द सेम टाइम अंडरगोज अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर जिस सॉल्यूशन में केमिकल कंपाउंड है उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है और साथ साथ उसके अंदर केमिकल चेंजेस भी होते हैं तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोड्स क्या होती है? मेटल वायर प्लेट या रॉड्स होती है जिनसे जब करंट पास किया जाता है तो वो इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं और वो कहलाता है इलेक्ट्रोड्स। कैथोड, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के सेल या बैटरी के नेगेटिव पे लगाई जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल पे, वो तो कहलाती है कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाई जाती है वो कहलाती है एनोड, है ना। कैथोड होगी नेगेटिव वाली और एनोड होगी पॉजिटिव वाली। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इट्स इंपॉर्टेंट, हायर क्लासेस में भी ये चीज़ वापस पूछी जाती है। नेक्स्ट इज आयंस, द इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स फॉर्म्ड व्हेन अ केमिकल कंपाउंड इज डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड आयंस। ये एक इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो कि केमिकल जब उसके अंदर वाटर के अंदर केमिकल कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं तो ये बनते हैं। कैटायंस जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, जैसे कैथोड होती है वैसे क्या है, कैटायंस होते हैं, कैटायंस और एनायंस। कैटायंस जो होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, है ना। कैटायंस कैसे हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं। जब केमिकल कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करा जाता है तो वो कैटायन बनाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम पर कैटायंस है वो कैथोड पर मिलते हैं क्योंकि वो कैथोड से इलेक्ट्रिक चार्जेस को लेते हैं। एनायन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं। जब केमिकल कंपाउंड को डिसॉल्व किया जाता है वाटर में तो वो एनायंस बनाते हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम पर एनायंस को डिस्चार्ज किया जाता है एनोड पर क्योंकि वो इलेक्ट्रिक चार्जेस लूज करते हैं। नेक्स्ट इज वोल्टमीटर, एन एपरेटस इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट सच दैट इज कंसिस्ट ऑफ अ वेसल, टू इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड वोल्टमीटर। वोल्टमीटर एक ऐसा अपेरेटस है, एक ऐसा मशीन जैसा सिस्टम है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। इसके अंदर दो वेसल्स होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होती है और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो कहलाता है वोल्टमीटर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग।